हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के दिन हम लोगों ने बांग्लादेशी ग्रोसरी से जो ग्रोसरी किया वो। और ये देखिए, छोटे छोटे फिश हमने एक्वेरियम के लिए खरीद के एक्वेरियम पे कुछ घंटा रख दिया ऐसे, फिर मिला दिया, इससे फिश बच जाते हैं ऐसे करके रखने से। और यह है करेला, मेरे बैकयार्ड गार्डन से मुझे मिला, इतना लंबा करेला बिना फर्टिलाइजर कि इतना अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड इवन नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग इट टू यू, वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये मिट्टी पे गड़े हुए थे, मिट्टी से उठा के मैंने लेके आई। और ये बांग्लादेशी ग्रोसरी से जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और एग्जॉटिक चीज़ें मैंने शेयर किया और जो बोला बंगाल की हर घर पे पॉपुलर है। अगर आप लोग, आप में से कोई भी नॉन बंगाली हो, मुझे देख रहे हो, आप भी ऐसे पसंद करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 4 kg रोहू फिश, 4 kg क्योंकि इसको ना हम अलग अलग करके रख देंगे। देखो 4 kg रोहू फिश, ये एकदम फ्रेश होता है। ब्लॉक का फिश खराब होता है, सड़े हुए होते हैं, पर ये फिश एकदम एक जो होल फिश होते हैं ना, खरीद के वो लोग मशीन से काट करके देते हैं, बंगाली काट बोलना होता है, वो काट करके देते हैं। फिश हेड भी मैंने बहुत दिन नहीं खाया, ये यहाँ पे फिश हेड भी है। और हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा पीस काट करवाते हैं क्योंकि रोज़ फिश नहीं खाते ना, इसीलिए। हम लोग इंडियन दुकान या अमेरिकन दुकान से चिकन खरीदते हैं, पर उस दिन हस्बैंड का मन था इसीलिए बांग्लादेशी दुकान से खरीद। फिश एग, हिल्सा फिश एग, इलिश माछे डीम, ये बांग्लादेशी चीज है। यह है शापला, जिसको वाटर लिली बोलते हैं, उसका स्टेम। यह है जैकफ्रूट सीड, कांठाल बीची। यह है कोचूर लोती, इसको बोलते हैं स्टोलोन ऑफ टेरो। और ये 2 ग्रीन मैंगो, फ्रोजन ग्रीन मैंगो। लाल शाक, इसको रेड अमरंथ, अमरंथ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लाल शाक। ये बांग्लादेश और इंडिया का वेस्ट बंगाल पे बहुत फेमस है, मतलब बंगालीज बहुत पसंद करते हैं ये लाल शाक। ये 2 लेके आए, इसको ना मैं एक साथ कुक कर लूँगी, कुक करके जितना हम खा सकते हैं खा लेंगे, बाकी फ्रीज कर देंगे। ये है ड्रम स्टिक, ये बहुत फ्रेश था, मुझे अभी ड्रम स्टिक का समझ आते हैं, देख के ही मैं समझ गई बहुत ही फ्रेश। ये मैंने 2 लिया। ये है परवल, यहाँ पे ना कोई कोई ग्रोसरी स्टोर पे परवल को पानी पे भिगो के रखते हैं, मुझे बहुत घिन आता है, पर ये बांग्लादेशी स्टोर पे नहीं करते हैं ऐसे। ये है रॉ टर्मरिक, इसको लेके मेरा कुछ प्लान है, मैं बाद में आप लोगों को बोलूँगी। ये हस्बैंड हमेशा लेके आते हैं, बहुत सुविधा होता है मेरा। लहसुन 599, इस पर कोई केमिकल नहीं है, हम लोग इसको पेस्ट करके आइस बना के रख देते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं, ये जल्दी जल्दी करना होते हैं। ये तूरी है, और मैं 2 ड्रमस्टिक बोल रही थी, ये दो ढूंढते ढूंढते देखो और एक लाल शाक मिल गया मुझे, मतलब 3, वहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 लाल शाक। मैं आप लोगों को लाल शाक अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। ये है लाल शाक, इसका पत्ता भी मैरूनी शत होते हैं, और देखो डंठल ऐसे होते हैं रेड कलर का। और कोलकाता पे क्या होता था बचपन पे, राइस के साथ इसको खाती थी तो पूरा राइस लाल हो जाता था। यहाँ पे रख दिया लाल शक। और ये एक पम्पकिन लेके आए, अमेरिकन नहीं, वो बटरनट स्क्वॉश नहीं, एकदम बंगाली पम्पकिन। परवल तो दिखाया आपको, यहाँ पे है बैंगन, वाइट अनियन,
और ये ग्रीन लॉन्ग बीन, हम बंगाली में इसको बोरबोटी बोलते हैं, ग्रीन लॉन्ग बीन को। ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये है कालो जाम, मेरा बहुत फेवरेट है ये फ्रूट। साल में एक दो बार ही खाने को मिलते हैं जब मायामी जाती हूँ, पर बांग्लादेशी दुकान पे देख के आई एम फीलिंग सो हैप्पी। इसको ना काशुंदी, जो इंडियन मस्टर्ड सॉस होते हैं बंगाल की घर घर में, उसको देके हम लोग बहुत कुछ खाते हैं। इसे लाल शक खाते हैं, ये कालो जाम खाते हैं। देखो ओफो, खुल ही नहीं रहा है यहाँ पे लॉक। देखो लॉक लिख दिया, आप देख नहीं पाओगे शायद, कैमरे का स्टैंड दिखा रहा है, प्लास्टिक का लॉक, इसमें भी लॉक। ओफो ये देखो कालू जाम, याम। इसका मिठाई होते है ना काला जामुन मिठाई, ये है फल। यामी यामी यामी। ये है कालो जीरा चाल, इसको लेके ना हम खीर बनाते हैं, चावल का खीर, पायस, आप जो भी बोलो, पुलाव बनाते हैं। और एक चीज बनाते हैं बहुत इजी, शेद्दो भात बोलते हैं। इस पे पम्पकिन हो, फिर ग्रीन पपाया हो, कच्चे केला हो, आलू हो, थोड़ा मसूर का दाल या कच्चा जो रॉ मूंग दाल, येलो मूंग दाल, वो डाल के प्रेशर कुकर पे दो सीटी लगा लो, और उसके साथ एक अंडा बॉयल करके खा लो, और आपका वेजिटेरियन डे है तो कुछ भी नहीं खाओ, उसके साथ अंडा नहीं खाओ, ये सब्जी और दाल के साथ खा लो, बहुत यम्मी होते हैं। उस पर थोड़ा घी या बटर, या मैं तो सरसों का तेल डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको शेद्दो भात बोलते हैं। तो ये लेके आए, ये बांग्लादेशी है, कोलकाता पे मिलते हैं गोविंदभोग चाल, पूरा वेस्ट बंगाल पे ही मिलते हैं। मैं नहीं जानती इंडिया का बाहर, वेस्ट बंगाल का बाहर का कोई स्टेट पे मिलते हैं कि नहीं, पर ये बहुत एरोमेटिक राइस है। पर जो भी बोलो, जो बांग्लादेश की फ्रेंड है ना मेरा, वो लोग बोलते हैं बांग्लादेश पे ये राइस जो मिलते हैं और भी ज़्यादा एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो इम्पोर्ट होके आते हैं ना। तो मैं, मुझे भी लगता है गोविंदभोग जो राइस है, गोविंदभोग चाल, बहुत एरोमेटिक है। इसको देके हम लोग पुलाव, पायस, सब कुछ बनाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत काम का चीज़, हस्बैंड जिस दिन घर पे नहीं खाएंगे दोपहर को, रात को राइस रोटी कुछ नहीं खाते हैं, दूसरा कुछ खाते हैं, मतलब रोटी या राइस से दूर ही रहते हैं, कार्ब नहीं खाते हैं, तो दिन पे मैं ये शेद्दो भात बना के खा लेती हूँ और घर क्लीन करती हूँ। दिस इज सबसे ईजी रेसिपी। अभी सूखा चीज में जो लेके आए, ये मिक्सचर, ये सब हस्बैंड खाते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ। हम चनाचूर बोलते हैं ना बांग्ला पे। ये है भुजिया, ये मुझे दही बड़ा के लिए चाहिए था, और ये फाइन सेव है, ये भी आप दही बड़ा के ऊपर डाल के खा सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर, हमारे घर पे जीरा पाउडर यूज़ नहीं होते हैं तो इसीलिए। खट्टा मीठा, ये चनाचूर टाइप का जो आप देख रहे हो, नमकीन, ये हस्बैंड के लिए ही है, वो पसंद करते हैं, वो खाते हैं। ये और एक सेव है, क्योंकि ये फाइन सेव होते हैं, मैं चाट बना के खाती हूँ तो मैं छुपा के रखती हूँ, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा करके लेके आए। ये चिकन टिक्का, ये है तंदूरी मसाला, उनका मन हुआ तंदूरी चिकन खाने के लिए तो इसीलिए चिकन लेके आए। ये है टैमरिन डेट चटनी, इसका हम दही बड़ा के ऊपर डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, दही दही फुचका जो जिसको बोलते हैं, दही पानी पूरी, वो भी बना सकते हैं। ये काशुंदी जो मैं बोल रही थी ना, बंगाल के घर घर पे ये मस्टर्ड सॉस बहुत, हमारा बहुत चलता है, बहुत फेवरेट है। ये बांग्लादेशी ब्रांड है, मैं कोलकाता से लेके आती हूँ, पर अभी तो ख़त्म हो गया। ये एक बोर्बन बिस्किट, ये भी हस्बैंड को पसंद है, कभी कभी ये सब ऑफिस में भी लेके रखते हैं, बिस्किट, थोड़ा चिप्स, कभी जल्दी बहुत भूख लग जाते हैं, ऑफिस से घर नहीं आ सकते, तभी ये सब काम का चीज़ है। और उनका बहुत फेवरेट 4 पैकेट मैगी, पूरा मैगी, पूरा देखो मैगी के बॉक्स पे ही लेके आए,
चार पैकेट मैगी। बस हो गया हमारा ग्रोसरी। अभी इस जगह का हाल देखो। तो जो ग्रोसरी मैंने आपको दिखाया ये सब कुछ लेके $120 अराउंड, $120 से कम, $115 से ज़्यादा, $120 से कम, ऐसा हुआ ग्रोसरी। मांस मच्छी पे ज़्यादा खर्चा होते हैं, वेजिस पे कम। पर मेरा कंटिन्यूस स्ट्रगल रहता है हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिस खिलाने के लिए, और वो वेजिटेबल्स लाइक भी करते हैं, और मैं जैसे फ़िश और वेज लाइक करती हूँ वो पनीर, चिकन, मटन और वेज भी लाइक करते हैं। तो आज का ऐसा ग्रोसरी हुआ, और मैंने उनको बोली थी कि गणेश चतुर्थी के दिन 4 बजे से महाराष्ट्रियन एक क्लब है, एसोसिएशन है, उनका 4 बजे से मंदिर पे प्रोग्राम है, जो मंदिर पे हम गए थे। पर मैंने बोला नहीं, हम लोग दर्शन करके चले आएंगे। आज ना अभी ना रोज़ रोज़ बारिश हो रहा है, एक हरिकेन आने वाले थे सोमवार या मंगलवार पर, वो मायामी से होके दूसरे स्टेट की तरफ चले गए, और एक आने वाले थे वो सी के तरफ चले गए, फॉर्म ही नहीं हुआ, इसीलिए बहुत बारिश होगा, हरिकेन नहीं आएगा। फ्लोरिडा पे शादी होके आने के बाद से हरिकेन देख देख के कैसे मुकाबला किया जाता है, कैसे, मतलब मेरे अंदर बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है हरिकेन के मुकाबला पे। हरिकेन का स्टोरी मैं और एक दिन आप लोगों को बोलूँगी। तो देख लेते हैं, चलिए बाहर का बारिश कैसे हो रहा है। फिर भी नेट के अंदर से आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे पैर पे थोड़ा थोड़ा छींटे आ रहा है नेट का, नेट के अंदर से पानी का छींटे आ रहा है। देखो आवाज़, देखो और हवा का आवाज़ सुनो। फ्लोरिडा है बारिश का देश। चलो आप लोगों को अभी सामने लेके जाते हैं। अभी रास्ता देखो, रास्ते पे पूरा समुंदर जैसा लग रहा है। देखो कैसे पानी जा रहा है। आपने जो शॉपिंग देखा ये 7 दिन का शॉपिंग है, सिर्फ फिश 2 से 3 महीना चलेगा, और अमेरिकन फिश भी हम खाते हैं। हम मेरे घर पे ऑलरेडी पाकिस्तानी दुकान से ख़रीदा हुआ मटन है, कीमा है, अमेरिकन फिश है, फिर फल होते हैं, मिल्क होते हैं, ब्रेड होते हैं, कितना कुछ होते हैं, सीरियल्स होते हैं। तो अमेरिकन ग्रोसरी, पाकिस्तानी ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी और बांग्लादेशी ग्रोसरी, 1 महीने पे 4 जगह से ग्रोसरी करना पड़ता है। एक इंडियन फैमिली पे ये बहुत कॉमन है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।